अरे मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। एक मिनट गाइस, अरे बड़ा बुरा सपना था यार। मेरे सपने में रेडल का आया था और वो मेरे को मारने वाला था। एक मिनट, लेकिन ये अंडा क्या कर रहा है? एक मिनट गाइस, मेरे सपने में भी लिटरली मैं एग्जैक्टली इसी टाइप का अंडा था। इसी को चुराने ना रेडल मुझसे आया था पास, और वो मेरे को मार रहा था क्योंकि ये अंडा मैं उसको दे नहीं रहा था। लेकिन ऐसा क्या खास है इस अंडे में? और ये मेरे घर के दरवाजे पर क्या कर रहा है, मतलब मेरे बेडरूम के दरवाजे पर? गाइस आइडिया, एक काम करते हैं, क्यों ना इस अंडे को खोल कर देख ले, खुद ही पता चल जाएगा असल में इस अंडे का क्या कनेक्शन है मेरे सपने से और रेडल से भी। इससे पहले कि सिंचन पिंचन चौप आगे मेरी काम में टांग अड़ाए, मैं जल्दी से कोई बढ़िया सी ऐसी चीज ढूंढता हूं जिससे कि वो अंडा फूट जाए। बाकी गाइस आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब जिससे कि मुझे मदद मिल जाए इस अंडे को फोड़ने में। एक मिनट गाइस, ये अंडा तो यार कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप की रेज निकाल रहा है अपने अंदर से। बहुत हो गया, अब भी मैंने यहां पे गन ले ली है, अब इसको जल्दी फोड़ते हैं। ये ले 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 ले, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे गाइस ये फूट नहीं रहा है, आप जल्दी लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब करो, शायद जरूर ये फूट जाएगा उसके बाद। कम ऑन गाइस डू इट। अरे बाप रे, मुझे लगता है इस अंडे को फोड़ने के लिए कोई स्पेशल, एक मिनट गाइस, यहाँ पर तो एक बहुत ही स्पेशल गन रखी है यार अंडे के पास, मुझे ट्रेटर शुरू से दिखी नहीं थी। चलो गाइस अभी ट्राई करते हैं। ये मारा है? एक मिनट गाइस, अंडा तो फूट गया, कुछ हुआ ही नहीं। एक मिनट, मुझे अभी सब कुछ छोटा छोटा क्यों दिख रहा है? अरे बाप रे, ये कौन है? एक मिनट, गाइस मैं तो छोटा कैसे हो गया गाइस? और इतना ही नहीं, अरे बाप रे, मैं तो काला कैसे हो गया? ये क्या चल रहा है दोस्तों? उस अंडे को फोड़ कर मैं ब्लैक बेबी कैसे बन गया? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे सपने में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन सपने में अंडा फोड़ा भी तो नहीं था मैंने। अरे दोस्तों ये क्या हो गया मेरे को? अरे वो अंडा भी गया। ओह नो, हे, मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए। गाइस मैंने सोचा था वो अंडा मेरे को स्पेशल पावर देगा, मैं तो बहुत छोटा हो गया यार। मेरे को जल्दी से जाके सिंचन पिंचन चॉप्स की मदद लेनी होगी। सिंचन पिंचन चॉप, अभी तो गाइस मैं गाड़ी भी शायद ठीक से नहीं चला पाऊंगा, मैं इतना छोटा हो चुका हूँ। हेलो, बात तो मजा ही आ गया। ये किसकी आवाज है? अरे बाप रे, ये तो किसी दूर। अरे गाइस, ये तो एक ग्रीन बेबी हल्क है, ये तो हल्क का बेटा है यार। हल्क का बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे को बहुत ही बढ़िया अंडा मिला है, अपने पापा जी से छुपा कर मैं यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा गोद बन जाऊंगा, एकदम साइज को ग्लो कर लूंगा। क्या ये अपने साइज को ग्रो कर लेगा? एक मिनट यार, अरे बाप रे गाइस, ये तो सेम टू सेम ऐसा ही अंडा है जो मेरे घर पर था, लेकिन यार मैंने उसको फोड़ा तो मेरा साइज कम हुआ था। ये बच्चा अपना साइज बढ़ाने की बात कर रहा है, जितना ये है कि ऐसा ना हो अपने साइज को और कम कर ले, लेकिन इससे कमी क्या होगा इसका साइज? खैर गाइस देख लेते हैं होने क्या वाला है। ये बोला, अरे वाह वाह, क्या? एक मिनट गाइस, इसका अंडा तो अलग तरह से काम कर रहा है यार। मेरे अंडा तो इस तरह से कुछ हुआ नहीं था, मैं तो डायरेक्ट छोटा बच्चा बन गया था, वो भी काला ब्लैक फ्रैंकलिन। कोई नहीं गाइस, अभी देखते हैं ये बच्चा इसके अंदर जाएगा, अपना साइज बढ़ेगा इसका नहीं। अगर इसका साइज बढ़ा तो हम भी इसके पोर्टल में घुस के अपना साइज बढ़ा लेंगे। चलो इसके अंदर चलते हैं। वाह वाह, एक मिनट गाइस, इसका साइज मीटर कहाँ से आ गया? और ये पहले इसका साइज लिटरली ऑलमोस्ट जीरो था, अभी इसका साइज 6000। अरे भाई, ये तो लिटरली मैं बड़ा हो गया दोस्तों। अरे वाह, मैं तो काफी बड़ा हो गया, पापा जी का शौक कर दूंगा। अभी काम करता हूँ, एक और बार इसके अंदर जाता हूँ। ये गया मैं ही ही ही। अरे मेरे को जल्दी से आगे बढ़ा दे, मैं अपने पापा जी को शौक करना चाहता हूँ। अरे वाह वाह वाह, कम ऑन कम ऑन। ओह माय गॉड गाइस, लिटरली मैं तो हल्क से भी लंबी हाइट का ग्रीन रेंज हल्क बन गया है। इसका वाला अंडा बढ़िया। ओह माय गॉड, इसके पास सुपर पावर्स भी है। वाह, मेरा साइज बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है और मेरे पास सुपर पावर्स भी है, मैं तो बहुत ही औसम होता जा रहा हूँ। एक और बार अंदर चलता हूँ, इस बार देखता हूँ मैं क्या बनूंगा। गाइस क्या लगता है? ओह माय गॉड, इसका साइज देखिए कैसे ऊपर की साइड जा रहा है। अरे बाप रे, देखो देखो गाइस, तो देखो इसका साइज है। अरे भाई, ये तो जायंट। अरे यार, ये तो ग्रीन तत्व हल्क बन गया। अरे वाह, मैं तो बहुत बड़ा हो गया। गाइस एक काम करता हूँ, मैं भी इसके पोर्टल में घुस के अपना साइज बढ़ाता हूँ, लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे को जान से मार देगा। इसके जाने के बाद ही करेंगे, लेकिन अभी तक तो इसका साइज बहुत हो गया ना, अभी तक अभी ये और बढ़ाएगा क्या? अब मैं अपना साइज और बढ़ाऊंगा। व्हाट, ये अपना साइज पोर्टल में जाके और बढ़ा रहा है? अरे भाई, और कितना साइज बढ़ाएगा तू? अपना साइज 2000 करोड़ कर लिया इसने। वाह, मैं तो अपने पिताजी से हजारों गुना ज्यादा साइज में बड़ा हो गया। हा, मजा ही आ गया। गाइस इसकी आवाज पहले कितनी प्यारी थी, क्यूट सी, अभी तो कितना बड़ा जायंट गॉड ग्रीन हल्क बन। अरे वो तो भाग भी है यार। ओके गाइस, ये ओंका मेरे लिए अच्छा है। एक मिनट, वो पोर्टल पोर्टल कहां गया? अरे पूरा पूरा गाइस, ओके ओके जल्दी से इसके अंदर जाते हैं। लेकिन गाइस आप प्लीज इस बार सच में लाइक कर दो वीडियो अगर नहीं किया है तो। नहीं, मेरी किस्मत खराब, पोर्टल गायब हो गया यार। दोस्तों कितनी बुरी किस्मत है मेरी। दोस्तों मुझे जल्दी से कोई अंडा चाहिए, नहीं तो मैं हमेशा के लिए छोटा सा ब्लैक बेबी हल्क, अरे मैं तो हल्क भी नहीं हूँ, ब्लैक बेबी फ्रैंकलिन रह जाऊंगा। और सिंचन पिंचन चौप भी शायद मुझे पहचान नहीं पाएंगे। गाइस आप तो मुझे पहचानते हो ना, मैं आपका फ्रैंकलिन ही हूँ, बस
रोज काला हो गया हूँ। प्लीज कमेंट में यस लिखो अगर आप मुझे पहचानते हो तो। दोस्तों बाकी मैं सिंचन पिंचन चौक को ढूंढता हूँ, शायद वो अभी तक घर पर आ चुके होंगे, मैं घंटों से वहां पर खड़ा था। ये पिंकलिन भैया कहाँ चले गए? भाई साहब वो किडनैप तो नहीं हो गया? यही मुझे समझ नहीं आ रही, पिंकलिन भैया कहे होंगे? अरे गाइस मैं तुम्हारे सामने हूँ। जो कौन है काले से बच्चे, तूने हमारे फ्रैंकी भैया को देखा है? क्या मतलब देखा है? अरे मैं ही फ्रैंकलिन हूँ। झूठ मत बोल वरना हम तुझे मारेंगे। गाइस कमेंट में यस लिखो इनको बताओ मैं ही फ्रैंकलिन हूँ। वाह भाई साहब हा हा हा, मेरा फ्रैंकलिन कलवा जरूर है लेकिन तेरा जितना कलवा नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्या है निकल यहाँ से, एक तो फ्रैंकलिन भैया नहीं मिल रहे, ऊपर से तू दिमाग खराब कर रहा है। नहीं अरे मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, प्लीज मुझे अपना साइज बढ़ाना है, मेरे को एक अंडा चाहिए। छोटा कहीं का, तुझे अंडे खाने इसलिए हमारे पास आया है। नहीं अरे यार गाइस इन्होंने तो मेरी बात पे बिलीव ही नहीं किया, मैं क्या करूँ? गाइस मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा आइडिया, अगर मैं अपना साइज बढ़ा करके पास जाऊंगा फिर तो ये मुझे पहचान ही लेंगे। लेकिन दोस्तों दिक्कत तो यही है यार, अब मैं अंडा कहाँ से ढूंढूं जो मेरा साइज बढ़ा सकता है? मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे दोस्तों अरे बाप रे, क्या अरे बच्चा सामने शॉट मारना क्या तरको? अरे ये रेडल क्या कर रहा है? अरे गाइस उसके पास एक गोल्डन एग है, शायद वो बहुत स्पेशल एग है इसलिए रेडल कितनी जल्दी में। भागो भागो जल्दी भागो, मुझे रेडल का पीछा करना होगा, मैं किसी भी हाल में पता करके आऊंगा। ओ मेरा बच्चा आज तू मेरे पास क्या लेकर आया है? अरे पिताजी मैं आपके पास ये गोल्डन एग लेकर आया हूँ, माना गया इससे आप अपना साइज करोड़ों गुना बढ़ा सकते हैं। ओ वाह मेरा बच्चा ये तो तूने कमाल कर दिया, अब मैं इस एग से अपना साइज बढ़ाऊंगा और साथ साथ मैं यहाँ पर करोड़ों डॉलर के सोने को तुझे दे दूंगा। गाइस इन दोनों के बीच में डीलिंग चल रही है, ये एग तो मेरे को चाहिए यार, इतना सारा सोना। ओ माय गॉड गाइस आइडिया, अगर मुझे इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करना है तो किसी भी हालत में यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो अरे बाप रे कहाँ से आ निकल यहाँ से बच्चा, तू मेरा पीछा करता रहा चोर कहीं के। सॉरी नहीं प्लीज मुझे मत मारना प्लीज, मैं छोटा सा करंट लगा दिया आपने तो मुझे। बिल्कुल सही कहा, तेरी आवाज मुझे फ्रैंकलिन जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं फ्रैंकलिन यू, प्लीज हेल्प मी। हाँ तो पिताजी मैं कह रहा था अंडा ले लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। बिल्कुल मेरा बच्चा। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी एटी गेमर ओपी लिखो, प्लीज एटी गेमर ओपी लिख दो, मैं तो मर जाऊंगा। अरे बाप रे हेल्प मी, अरे बाप रे गाइस मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, एक बार करंट मेरे ऊपर से हट जाए आप एटी गेमर ओपी लिखो मेरी हट जाएगा। क्या बात है, वाह करंट हट गया। ओह माय गॉड थैंक यू सो मच गाइस, आपने बचा लिया। गाइस ये रेडल और इसके दद्दू को मुझे यहां से डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा। क्या बात है गाइस, मेरे पास भी एक आइडिया है, क्यों ना मैं यहां पर जितना भी गोल्ड है उसमें यहां पर खतरनाक आग लगा दूं। आग लगी तो रेडल और उसका दद्दू पागल हो जाएगा और उसके बाद वो पानी से इसको बुझाना चाहेंगे और इतने ही मैं उस खतरनाक अंडे को लेकर भाग जाऊंगा। एक मिनट गाइस ये तो फायर एक्सटिंग्विशर है, मेरे पास एक प्लान है। अरे वाह ये फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, ये तो फ्लेम थ्रोअर है। वाह गाइस ये आग को भगाता नहीं है, ये आग को लेकर आता है, ये तो बहुत सही चीज हो गई। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, पता नहीं कौन रख कर गया था यहाँ पर, मेरा तो फायदा हो गया। हाँ हमारा बच्चा तो तू वाली पेमेंट ले जा। बिल्कुल दादू मैं लेकर जाता हूँ, वाह मजा आ जाएगी। अभी बताता हूँ तुम लोगों, ये लो। अरे बापरा ये क्या हो गया बच्चा, हमारा खतरनाक सोने में आग लग गई। अरे नहीं ये क्या हो गया, पिताजी पानी लाओ, मेरे पास पानी नहीं है। अरे बापरा जल गया, बुरा वाला चला। गाइस अब जल्दी एक काम करते हैं, इस वाली गन, एक मिनट गाइस ये तो वही गन है जो रेडल ने मुझसे छीन ली थी। ओके दोस्तों ये वाली गन निकाली और ये 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 मारा। ओह माय गॉड पोर्टल बन गया। अरे बाप रे इसने क्या कर दिया, और इसमें साइज मैं बढ़ाऊंगा, नहीं साइज मैं बढ़ाऊंगा। चलो गाइस अब इसके अंदर चलते हैं जल्दी से, क्या बात है जैसे ही मैं इसके अंदर खड़ा हो गया गाइस लिटरली मेरा साइज मीटर जो है वो अप हो रहा है। अब तो मैं आपको वापस से वही, एक मिनट में पूरा फ्रैंकलिन नहीं बना यार, ये तो बहुत गलत हुआ गाइस यार, मैं तो अभी भी ब्लैक फ्रैंकलिन ही हूं, मतलब पूरा भी नहीं बना। आइडिया मैं काम करता हूं, उस पोर्टल में वापस जाते हैं और यहां पर अपना साइज बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए ये पोर्टल अभी भी है। अरे नहीं भाग गया यार, ये तो गलत हो गया। उसको पकड़ो, उसको जान से मार दो, उसने मेरा अंडा वेस्ट कर दिया। नहीं भागो यहां से भागो। अरे बाप रे गाइस मुझे कुछ और खतरनाक अंडे चाहिए, एलिमेंटल पावर वाले जो मेरा यहां पर साइज और ज्यादा बढ़ा सके, वरना आपका फ्रेंड। एक मिनट गाइस ये क्या यार, मुझे तो पता ही नहीं था। ओ तो गाइस ये अंडे सिर्फ हमारा साइज नहीं बढ़ाते, ये हमें सुपर पावर्स भी देते हैं। देखिए मैं कितनी हाई जंप लगा पा रहा हूं, एक बंदर या फिर कोई भी जानवर इतनी जंप नहीं लगा सकता। एक मिनट ये क्या चलिए। अरे बाप रे ब्रेकिंग न्यूज़, टोनी स्टार्क ने कैसा खतरनाक ट्रेड में बनाया है जिस पर कोई भी दौड़ ले भाग ले उसका साइज करोड़ों में बढ़ जाएगा। अभी अभी वो लॉस सेंटर्स के सड़क पर वो काम कर रहा है। अरे वाह गाइस फिर तो मुझे जल्दी जाना चाहिए टोनी स्टार्क के पास। टोनी स्टार्क ये मेरा बढ़िया ट्रेडमिल आज काम कर ही रही रहेगा। टोनी स्टार्क मेरे पास सुन, एक मिनट बच्चे इज्जत से बात कर, मैं तेरे से उम्र में कम से कम 30-40 साल बड़ा हूं। अरे यार टोनी स्टार्क मैं तेरा फ्रैंकलिन तू मुझे भूल कैसे गया? क्या 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 फ्रैंकलिन है तू? अबे झूठ क्यों बोल रहा है, तू काला कलूटा सा छोटा सा बच्चा, हालांकि मुझे तेरे कलर से कोई परेशानी नहीं है लेकिन तू फ्रैंकलिन नहीं हो सकता। अरे मैं फ्रैंकलिन हूं, मैं सच बोल
रहा हूँ गाइस, कमेंट में आप जल्दी से यस लिखो, टोनी स्टार्क को बताओ कि मैं फ्रैंकलिन हूँ। तो फ्रैंकलिन तेरा ये हाल किसने किया? अरे यार असल में मेरी बात तो मान ले। अबे तू झूठ बोल रहा है, तू फ्रैंकलिन हो ही नहीं सकता। गाइस प्लीज वीडियो लाइक करके इनको बताओ कि मैं सच बोल रहा हूँ। अबे गाइस रुको, आप लोग लाइक मत करना इसकी वीडियो, ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रैंकलिन। अबे चा फ्रैंकलिन तू हो ही नहीं सकता फ्रैंकलिन। अरे मैं फ्रैंकलिन ही हूँ यार, मेरी बात तो सुन टोनी स्टार्क, एक बार मेरा साइज बढ़ने दे, फिर देखना मेरी शक्ल रियल वाली आ जाएगी वापस। अबे तू मेरे करोड़ों के साइज वाले ट्रेडमिल को फर्जी बने हुए यूज करना चाहता है, जान से मार दूंगा। टोनी स्टार्क प्लीज मेरी बात सुन ले यार, एक बार मेरा साइज बढ़ने दे, उसके बाद जितना पीटना हो पीट लियो, मतलब तुझे पता चल जाएगा मैं सच बोल रहा हूं झूठ। बेवकूफ कहीं का। हां तो गाइस मैं कह रहा था मेरा ट्रेडमिल रेडी है, अब मैं अपने आयरन के सुर मार दिया जान से। जरूर यस फ्रैंकलिन नहीं किया? नहीं मैंने नहीं किया कुछ भी। अरे बाप रे, एक मिनट, टोनी स्टार्क का ट्रेडमिल तो रेडी था, फिर इसमें आग कैसे लग गई? कुछ तो गड़बड़ है। टोनी स्टार्क अभी तो बोल रहा था और मुझ पर इल्जाम लगा रहा था, लेकिन इसके बाद टोनी स्टार्क है ही नहीं। अरे बाप रे गाइस, ये कितनी बुरी तरह से ट्रेडमिल फटा है, अब शायद मेरे हैं टोनी स्टार्क का ब्लड तो यही है गाइस। अरे बाप रे टोनी स्टार्क कहां पर है? गाइस अगर आपको टोनी स्टार्क पता है कि वो कहां चला गया तो प्लीज कमेंट में यस लिखो, नहीं पता नो लिखो। मुझे लगता है गाइस कोई यहां पर हम दोनों के अलावा तीसरा बंदा था जिसने ट्रेडमिल में आग लगाई और टोनी स्टार्क को ले गया। अरे बाप रे, ये बंदा खुश क्यों रहा है? अरे मजा ही आ गया, मैं तेरा कोई भी काम नहीं करूंगा समझा, चुप कर, चुपचाप यहां पर तुझे मेरे लिए ट्रेडमिल बनानी होगी। एक मिनट गाइस, ये तो टोनी स्टार्क को जिंदी आग में जला रहा है, मुझे टोनी स्टार्क को बचाना पड़ेगा। टोनी स्टार्क हालांकि मुझे बिलीव नहीं कर रहा था कि मैं उसका फ्रैंकलिन नहीं, लेकिन यार वो तो मेरा दोस्त है ना, मेरा फर्ज बनता है उसको बचाने का। मरेगा तू, बुरी तरह से मरेगा स्टार्क। एए, मेरे दोस्त को छोड़ दे। अरे बाप रे बच्चे, तू दूर यहां से जा। अरे यार मैं बच्चा नहीं हूं, मैं फ्रैंकलिन। अच्छा ठीक है, तू फ्रैंकलिन भी है तो, लेकिन यहां से दूर जा, तू मर जाएगा मेरे साथ। नहीं स्टार्क, जो तेरे को ये मांग रहा है वो दे देना इसको भाई, ये तुझे मार देगा। नहीं मैं कभी नहीं करूंगा, ये अपना साइज बढ़ा के दुनिया पर बुराई फैला देगा। बच्चे निकल यहां से, तू कौन है कीड़े? हां तू यहां पर आएगा मुझे सिखाएगा, हट यहां से। ए स्टार्क बता, ट्रेडमिल बनाता है या जान से मारो? नहीं 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 गाइस, स्टार्क बहुत जिद्दी है, मुझे उसको बचाना पड़ेगा किसी और तरीके से। एक बार अगर मैं उस ब्लैक हल को रास्ते से हटा दूं तो उस लगी आग को बुझाकर मैं स्टार्क को बचा सकता हूं, उसके बाद वो जरूर मुझ पे ब्लीक कर लेगा कि मैं उसका फ्रैंकलिन ही हूं। गाइस आईडिया, अगर मुझे कोई ऐसी बड़ी सी गाड़ी या ट्रक मिल जाए जिससे मैं उसे टक्कर मार के नीचे पानी में गिरा दूं तो काम हो जाएगा। एक मिनट, टोनी स्टार्क क्या कर रहा है? तू मुझसे जबरदस्ती ट्रेडमिल बनवा रहा है, लेकिन देख लेना तू अपने मनसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बुराई की जीत नहीं, सिर्फ अच्छाई की जीत होगी, समझा? तू बकवास बंद कर, तू मेरा टीचर नहीं है समझा, चुपचाप काम कर अपना। अरे यार दोस्तों मुझे यहाँ पर इस एक मिनट गाइस, ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक है, अभी तक मेरे को ये दिखा क्यों नहीं था? दोस्तों इसी का तो इंतजार था, इससे पहले कि टोनी स्टार्क इस ट्रेडमिल को रेडी कर ले, ब्लैक हल्क अपना साइज बढ़ा ले, मैं इस मॉन्स्टर ट्रक से इस खतरनाक जायंट ब्लैक हल्क को नीचे फेंक दूंगा, फिर टोनी स्टार्क खुश होकर वो ट्रेडमिल मुझे देगा और मेरा साइज बढ़ जाएगा। ऑलराइट दोस्तों यहां पर ये अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ओ मार दिया, वाह क्या पक्कर व टक्कर मारी है, अरे बाप रे कैसे यार, अरे हटो डर यहां से वरना मैं पानी में डूब जाऊंगा। ऑलराइट दोस्तों अब जल्दी से स्टार्क के पास चलते हैं। अरे मार दिया मुझे, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा फ्रैंकलिन, तुझे छोड़ूंगा नहीं। वाह गाइस, टोनी स्टार्क को बिलीव नहीं हुआ कि मैं फ्रैंकलिन और ब्लैक हल्क को हो गया। खैर कोई नहीं, किसी को तो हुआ, जल्दी चले जाता हूं। क्या बात है बच्चे, तूने कमाल कर दिया, मेरा मतलब फ्रैंकलिन, मुझे यकीन हो गया तू फ्रैंकलिन ही है। अरे वाह फाइनली स्टार्क ने यकीन तो किया, तो क्या भाई मतलब अब इस पर भाग सकता हूं? बिल्कुल, यहां पर अपना साइज बढ़ा और अपना रियल चेहरा मुझे दिखा। ऑलराइट गाइस, स्टार्क यहां पर मेरे को अप्रूवल दे दिया है, वैसे तो मेरी हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन दोस्तों अभी फाइनली हमारा साइज अप हो रहा है, अब तो सिंचन बिंचन भी मुझे बिलीव कर लेंगे और सब कर लेंगे। भागो 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 और स्पीड में भागो 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 भागो। वाह गाइस देखिए, मैं यहां पर 10,000 मीटर तक पहुंचू। एक मिनट गाइस, ये क्या? अरे मेरी बॉडी का कलर तो अभी ब्लैक ही है। टोनी स्टार्क, ये क्या, मेरी बॉडी का कलर नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? लगता है फ्रैंकलिन जिस भी वजह से तुझे साइड इफेक्ट हुआ है, अब तू जिंदगी भर ऐसा रहने वाला है। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? मुझे तो तुझसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यार क्या लोग मुझे भी प्यार करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे गाइस, अगर आप फ्रैंकलिन को अभी भी प्यार करते हो, रादर देन उसका कलर ऐसा हो चुका है, लेकिन अगर आपको उससे फर्क नहीं पड़ता तो कमेंट में यस लिखो यार, फ्रैंकलिन को प्यार करो बहुत सारा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है गाइस, लेकिन अब भी ना मैं जल्दी से। अरे एक मिनट गाइस, ये क्या है? ओह माय गॉड, हालांकि ये फॉर्म मेरी इतनी बुरी भी नहीं है, क्या सुपर स्पीड है मेरे में, देखिए मैं कितना फास्ट हो गया हूं। सोचिए जब मैं इससे बड़ा हो जाऊंगा तो और कितना फास्ट हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरे को और भी ज्यादा सुपर एलिमेंटल एग या टोनी स्टार्क जैसे ट्रेडमिल चाहिए जो मेरे साइज को ज्यादा बढ़ा सके। चलो कोई नहीं, खैर हम फिलहाल सिंचन बिंचन के बजाय सिंचन बिंचन फ्रैंकलिन भैया इधर आइए। हां सिंचन बिंचन बाहर ही है। अरे यार अब तो मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा सिंचन बिंचन ही हूं। ही विकी भैया, ये तो आप ही है, लेकिन आपकी कलर क्या हुआ वो छोड़ो, लेकिन दिक्कत हो गई। बिल्कुल, एक जायंट रेड हल्क है और एक रेड हल्क है, उसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया।
गाइस सब फ्रैंकलिन तू कहां था यार? अरे गाइस ये बहुत लंबी कहानी है यार, वो जो ब्लैक बेबी हल्क था ना, मतलब वो ब्लैक बेबी इंसान जो था, हां वो मैं ही था। व्हाट? अरे सॉरी, हमने आप पर बिलीव नहीं किया, लेकिन प्लीज हमारा घर बचा लो, हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस रेडल को और उस दद्दू को छोड़ूंगा नहीं। गाइस देखिए ये रहा, और ये घर हमारा है, हम उसको बर्बाद कर देंगे जिसने घर को छीना। बिल्कुल पिताजी, अब तो अपना साइज हम यहीं रहकर बढ़ाएंगे। अरे बाप रे यार, इन्होंने मेरे पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। काश मेरा साइज इतना ज्यादा होता कि मैं इस रेड दद्दू को छोड़ता नहीं, लेकिन अभी भी मैं गाइस यहाँ पर इन लोगों को पीट सकता हूँ। एए, तुम सबके सब यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये देखो मेरे पास क्या स्पीड है। और तू या जिसने अपना साइज मेरा अंडे को फोड़ा बड़ा था। बिल्कुल मैं ही हूँ, वैसे भी तुम लोग अच्छे नहीं हो, उस साइज को बढ़ाकर वैसे भी तू बुराई का काम करता ना, जैसे तू अभी कर रहा। और तू ना बिल्कुल सही पहचाना, अब मरने का समय आ चुका है, वरना मैं तेरे को खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे को मत मारना। और मैं मारूंगा पिताजी इसको, तूने यहाँ पर धोखा दिया मुझे। ये ला कीड़ा, पहले तू छोटा था पहचान नहीं था, लेकिन तू फ्रैंकलिन है, काला हो या पीला तू हमेशा मेरा दुश्मन रहेगा। वाह क्या ही पीटा मैंने उसको। अरे बाप रे गाइस, हालत खराब कर दी इसने मेरी। कोई नहीं, यहाँ पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए हजार कोशिश करूंगा। गाइस वैसे मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, अगर मैं यहाँ पर अपनी सुपर फास्ट स्पीड का, नहीं नहीं गाइस ये लोग बहुत बुरे हैं, ये मुझे जान से मार देंगे। गाइस पहले चेक करते हैं, एक मिनट ये क्या है गाइस? अरे बाप रे ये तो खतरनाक बिजली है। गाइस अगर इस बिजली का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर रेड हल्क की आर्मी को खतरनाक झटके दूं तो ये लोग भाग जाएंगे डर कर। गाइस ये देखिए, ये मेरे पास गन, लेकिन इसमें एक भी गोलियां नहीं है, तो इस गन में ही हम उस बिजली को रिस्टोर कर लेते हैं। आइडिया, मैं यहाँ पर इतनी तेज भागूंगा कि समय एकदम स्लो हो जाएगा। उसके लिए प्लीज कमेंट में जल्दी फ्रैंकलिन ओपी लिख दो। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे कुछ टाइम के लिए इतनी सुपर फास्ट स्पीड मिल जाएगी कि पूरी की पूरी दुनिया रुक जाएगी। गाइस प्लीज, मुझे उम्मीद है आप फ्रैंकलिन ओपी लिख रहे होंगे। क्या बात है, मैं यहाँ पर भागना स्टार्ट कर दिया हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। देखिए गाइस मैं इतना फास्ट हो गया हूँ कि बाकी लोग इतने स्लो गए। देखिए मैंने उसको पंच मारा और वो कितना स्लोली गिर रहा है। अरे ये क्या कर दिया, देखा गाइस वो बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से, मैं तो कितनी फास्ट बोल रहा हूँ। ऑलराइट दोस्तों, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जल्दी से ना ये जितनी भी बिजली है इसको अपनी गन में रिस्टोर कर लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। इन्होंने मेरे घर पर कब्जा किया है ना, मैं यहाँ पर जल्दी अपना साइज बढ़ाऊंगा। फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर अपनी गन में वो जितनी भी इलेक्ट्रिक शॉक थे उनको स्टोर कर लिया है, अब भी ये लोग बचने नहीं वाले हैं। गाइस देखिए यहाँ पर टाइम कभी भी नॉर्मल हो सकता है, अब समय आ गया यहाँ पर बूम बाम करने का। ये मारा और मार दिया, और तू ना मेरा बच्चा को मारना शुरू किया, और तू बच्चा का नहीं फ्रैंकलिन, ये लो मैं तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। देखिए गाइस क्या ही खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा हूँ मैं इनको, क्या ही बैंड बज रही है। और बाप रे फ्रैंकलिन तेरी लड़ाई मेरा दद्दू से, और उनसे लड़ उनसे निपट, और हमारा मारा हमारी बैंड मत बजा। क्या बात है गाइस, देखिए मैंने क्या ही हालत कर दी है लोगों की। और बाप रे, और तू मेरा बच्चा को मत मार। गाइस मैंने यहाँ पर रेडल की आर्मी की तो बैंड बजा दी है, लेकिन अब ये जैन दद्दू बताए और तू मुझे नहीं मार पाएगा, और मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। गाइस ये एक मिनट गाइस, दद्दू के पास तो ये खतरनाक अंडा है, और मैं इसको जल्दी फोड़ लूंगा, ये तेरे घर में ही छुपा हुआ था। हाँ मेरा प्लान तो यही था हमेशा से कि मैं तेरे घर से अंडा निकालू। क्या गाइस पहले वाला अंडा भी मेरे घर पर था और दूसरा वाले मेरे घर पर ही मिला है, मुझे नहीं मिला था, इसको फोड़ते हैं जल्दी से। ओ नहीं, और तू परेशान नहीं कर सकता, मुझे इसके अंदर जाना था। क्या बात है गाइस, मेरे घर पर दो दो अंडे हो गए, और गाइस जिसके अंदर चलते हैं। वाह मेरा साइज देखिए, ओ नहीं, और तू गलत कर रहा है, और मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फाइनली गाइस मैं 20,000 साइज का हो चुका हूं, और ये रे दद्दू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले क्या बात है गाइस, एक मिनट मैं तो 3-हेडेड जायंट ब्लैक फ्रैंकलिन बन चुका हूं यार, लेकिन मुझे अपना साइज अभी और रोकना है। एक मिनट, सिंचन पिंचन चौक का है, सिंचन पिंचन चौक तुम लोग कहां पर हो? अरे वाह फ्रैंकी भैया, आप तो कितने बड़े हो गए। बाबा सब फ्रैंकलिन बाप, मोया तुझसे जलन हो रही है, और मोया भी अपना साइज बढ़ा रहा है। यही मुझे भी अपने बड़े नहीं, एक बार मैं अपना साइज बढ़ा लूं उसके बाद तुम्हारा भी बढ़ने दूंगा। खैर तुम लोग यहीं रुको, मैं जाता हूं गाइस जल्दी से बाकी और एलिमेंटल पावर्स वाले अंडे ढूंढने। गाइस ये क्या चल रहा है न्यूज़ में? अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, एक खतरनाक बुल ब्रिज है जहाँ पर एक ब्लू रिवेंजर हल्क को बहुत ही बढ़िया अंडा मिला है, माना गया उस अंडे से किसी का भी साइज बढ़ सकता है, जाओ रे चील लो से अंडा। क्या गाइस बुल ब्रिज के पास ब्लू रिवेंजर हल्क को एक ऐसा एलिमेंटल अंडा मिला है जिससे हम अपना साइज बढ़ा सकते हैं? फिर तो मुझे पूरी स्पीड में वहां जाना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मैं पूरी एक मिनट गाइस, ये क्या, यहाँ पर तो ऑलरेडी ब्लू रिवेंजर के पास अंडा है। अरे मजा आ गया, ये अंडा मेरा होगा, ये तो गोल्डन एग है गाइस, गोल्डन एग तो बहुत स्पीड में मेरा साइज बढ़ाएगा। देखिए कितना गोल्ड है ये। आइडिया, मैं काम
काम करता हूँ, इस ब्लू रिवेंजर को बेहोश करके इस एग को अपना बना लेता हूँ, उसके बाद तो फिर मजा ही आ जाएगा। ये महाराज को, अरे बाप रे मेरी बैंड बजा दी फाइनली गाइस, हमने ब्लू हल्क की तो बैंड बजा दी। अब ये अंडा हमारा, अभी काम करते हैं, जल्दी इसको फोड़ देते हैं। इतनी जल्दी नहीं, एक मिनट गाइस, ये तो ग्रीन हल्क का बेटा। अरे नहीं, ये कहाँ से आ गया? अरे भाई तेरा साइज ऑलरेडी आसमानों से भी ऊपर पहुंच रहा है, अभी तेरे को अंडा क्यों चाहिए? मेरे को अपना साइज अभी से 10 गुना ज्यादा और करना है। नहीं 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 प्लीज ऐसा मत कर, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उस वाले अंडे को मेरे दे दे। नहीं वो अंडा मेरा है, अब तू मरेगा। नहीं नो नो नो, अरे बाप रे मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। अरे गाइस ये क्या, इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे से? ये तो मुझे जान से मार देगा, अंडा भी नहीं लेने देगा। मरने के लिए तैयार हो जा कीड़े, अब तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नहीं इतनी जल्दी नहीं, मैं तुझे यहाँ पर हरा कराऊंगा। एक मिनट गाइस, उसने अंडा फोड़ दिया और उसमें से खतरनाक रेज निकल रही है, अब मेरा साइज बढ़ने वाला है। नहीं गाइस मुझे जल्दी उठना होगा, उससे पहले खुद का साइज बढ़ाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी फैमिली कसम। चल फ्रैंकलिन तू कर सकता है, कम ऑन। नहीं 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 नहीं, वो पावर्स को तो अपने पास ले गया। मैं इसको खा जाऊंगा और यहाँ पर मेरा साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नो गाइस, ये इसको खाती अपना साइज करोड़ों गुना ज्यादा और बढ़ा लेगा, मुझे इसको किसी भी हालत में रोकनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ पर अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करके इसको घुमा लेता हूँ। ये घूमो 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 और घूमो घूमो। हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, एक मिनट ये क्या हो रहा है? नहीं अरे बाप रे घुमा दिया। वाह गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर इस जायंट ग्रीन हल्क को कितनी स्पीड में घुमा दिया और मार दिया, बुरी तरह से मारा। क्या हालत है, फाइनली गाइस हमने यहाँ पर जायंट ग्रीन हल्क को पूरी तरह से गिरा दिया है। एक मिनट वो एलिमेंटल ये रहा गाइस, ऑल राइट दोस्तों काम करते हैं जल्दी, ये फोड़ा इसको। ओके दोस्तों ये तो मेरी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, पता नहीं इस बार मेरा साइज कितना होने वाला है। कम ऑन कम ऑन, अरे वाह 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 कम ऑन, मुझे अपना साइज 4000 करोड़ बनाना है। वाह गाइस देखिए मैं पहले से और भी बड़ा हो चुका हूं यार। चलो गाइस इसी बात पे काम करते हैं, जल्दी से एवेंजर्स के पास जाते हैं और जाकर उनको शो करते हैं कि हमारे पास क्या-क्या सुपर पावर आई है। देखिए गाइस अभी मैं उड़ भी सकता हूं यार। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगी। थैंक यू सो मच। हे